ओछी मानसिकता एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार ऐसी मानसिकता मीडिया के सामने आती रही है। अरे मेरे हमारे लोग के माफी से क्या मतलब है, यूनो पूरा देश माफ करेगा तब तो। देखिए अगर ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो महिलाएं कहां बिहार में सुरक्षित हैं, ये पूरे बिहार को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग लिया, पर देखिए जब सदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो तमाम जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो विधानसभा के गेट पर खड़े रहते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। उसके बाद देखिए हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो क्या कुछ हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफ़ी भी मांग लिया है, पर बीजेपी के महिला विधायक क्या कुछ कर रही हैं इन तमाम मुद्दे को लेकर, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। एक मुख्यमंत्री होकर ऐसी बात कहना कहीं से भी शोभनीय नहीं है और उनकी ओछी मानसिकता एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार ऐसी मानसिकता मीडिया के सामने आती रही है और मैं भी इसका एक बार शिकार हो चुकी हूँ। तो ये उनकी ओछी मानसिकता और महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता दिखाता है। जो ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और नैतिकता के आधार पर उन्हें खुद ही अपने इस्तीफा की पेशकश कर देनी चाहिए। देखिए अगर ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो महिलाएं कहां बिहार में सुरक्षित हैं, ये पूरे बिहार को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। ठीक है अब तो उन्होंने माफी मांग ली है। हाँ ये आज उन्हें कहीं ना कहीं अपने गलती का पछतावा हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी वाक्यों को दोहराया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मामला जो है वो उनकी ओछी मानसिकता का है। मानसिकता बदलने की जरूरत है और ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार है। लेकिन आप माफ तो करेंगे? देखिए गलती करना, हम आपको एक थप्पड़ मार दे और फिर माफी मांगे तो आपको कैसा लगेगा ये बताइए। विरोध तो अपने जगह पहले कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने देना। नहीं नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अपने अपने तरफ से जो प्रोटेस्ट करना था, अपनी आवाज को उठाना था, हम लोगों ने सज्जनता पूर्वक अपनी आवाज को उठाई। नीतीश कुमार ने जो अपना बयान दिया था उसको लेकर उन्होंने माफी भी मांग लिया, क्या आप लोग माफ कीजिएगा या फिर जिस तरीके से आप लोग? अरे मेरे हमारे लोग के माफी से क्या मतलब है, पूरा देश माफ करेगा तब तो। कौन माफ करेगा? माफ करिएगा कि नहीं मुख्यमंत्री को? बिल्कुल नहीं, एंड ही शुड रिजाइन इमीडिएटली। आई डोंट नो, हम तो यहाँ है ना, यहाँ व्हाट इज हैपनिंग अंदर में विल कम टू नो वहाँ जाने के बाद। अच्छा उन्होंने माफी मांगी है, क्या कहिएगा इस तरह? देखिए माफी इज वेरी स्मॉल शब्द, वो बिल्कुल माफी मांगना तो चाहिए था उनको, बट आई थिंक एवरीबॉडी इज कम टू नो दैट इज मेंटली डिरेल्ड नाउ और वो अब अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हिज एक्सप्रेशन इज वेरी बैड, भीभत्स है। तो अब ये है कि ही शुड नॉट यू नो कंटिन्यू विद दिस पोस्ट, यू नो इट्स वेरी सेंसिटिव एंड सेंसिबल पोस्ट। तो अब एक बहुत एक किसी अच्छे सेंसिबल मेंटली एकदम अच्छे आदमी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना जरूरी है, सो ही शुड रिजाइन अपने से। पहले विधानसभा में बात करना, फिर विधान परिषद में भी दोहराना, मतलब एक घंटे के अंतराल पे एक ही बात को दो जगह दोनों सदनों में कहना, इसको आप किस नजर से देखती हैं? मैंने एक ही लाइन में बोल दिया, ही इज नॉट इन हिज मेंटल स्टेटस, आई थिंक ही इज देयर इज सम प्रॉब्लम, ही शुड टेक सम लीव और मेंटल चेकअप। तो अभी आपने बीजेपी के तमाम जो महिला विधायक हैं उनको सुना है क्या कुछ करा है, क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफ करेंगी या नहीं करेंगी, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखे हैं। उतना ही नहीं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया था उसके बाद घोर निंदा हो रही थी, तमाम लोग थे जो सवाल खड़े कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे कैसा बयान दे सकते हैं। और अब देखिए तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचते हैं विधानसभा, उस दौरान क्या कुछ हुआ आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी भी मांगा पर महिला विधायक क्या कुछ कहती, आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ, धन्यवाद।